Now, as we are doing permutation combination, okay? Permutation combination. So we are into permutation right now. ठीक है, in permutation में there is one more question. ठीक है, आपको एक एक word दिया है and that word is banana. ठीक है, banana. Okay? And what you have to find the number of arrangements in which 2n should not come together. ठीक है, आपको number of arrangement find करना है ताकि ये जो 2n है they should not come together. ठीक है, not together. क्या लिखूंगा मैं? Not together. तो इस सवाल को कैसे करेंगे हम लोग? ठीक है, इस सवाल को कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स. हाउ विल फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट? टोटल अरेंजमेंट निकालने के लिए, अच्छा कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6. कितने स्पेसेस हैं? 6 स्पेसेस. 6 लोगों को 6 जगह अरेंज करने का तरीका है 6 फैक्टोरियल. बट ए कितने बार रिपीट हो रहा है? 3 फैक्टोरियल. उसके अलावा कोई और रिपीट हो रहा है? हाँ, एन. एन कितने बार रिपीट हो रहा है? 2 फैक्टोरियल. सो दिस विल बी द टोटल. और ये कितना जाएगा? This will be 6 into 5 into 4 upon 2 and this will be how much? 60. So there are total 60 ways to arrange this banana word. ठीक है, इसको हम 60 ways में और सारे words form कर सकते हैं. But अब मुझसे क्या पूछा है? 2 n's should not come together. तो पहले मैं together वाला निकाल लेता हूँ. ठीक है, अगर 2 n को मैं साथ में ले लूँ together, तो remaining क्या बचेगा? B बचेगा, A बचेगा, A बचेगा और ए बचेगा. तीन ए है ना, दो एन आपने साथ में ले लिए. ठीक है, ऐसे. ओके, तो ये कौन सा पार्ट है? ये पार्ट है टुगेदर. लेट्स फाइंड टुगेदर फर्स्ट, बिकॉज वी नो इन ऑर्डर टू फाइंड नॉट टुगेदर वी शुड नो टोटल एज वेल एज टुगेदर. सो इफ विल सब्ट्रैक्ट टुगेदर फ्रॉम टोटल विल गेट नॉट टुगेदर. ठीक है, सो इन द सेम वे हाउ यू विल फाइंड, अच्छा कितनी प्लेसेस हैं? 1 2 3 4 5 प्लेसेस हैं. देर आर 5 प्लेसेस. अब आपको कि 2 n को मैं एक साथ मैंने बांध दिया है, तो 5 लोगों को 5 जगह अरेंज करने के तरीके होते हैं 5 फैक्टोरियल अपॉन. लेकिन इसमें a कितने बार रिपीट हो रहा है? 3 टाइम्स. तो अपॉन 3 फैक्टोरियल. उसके अलावा ये n की भी तो दो अपनी क्या स्पेसेस है. इन दो लोगों को 2 जगह अरेंज करने के तरीके होते हैं 2 फैक्टोरियल. लेकिन n 2 बार रिपीट हो रहा है तो अपॉन 2 फैक्टोरियल विल ऑल्सो कम. ठीक है, बाद में यू विल नॉट डू सच थिंग्स. आफ्टरवर्ड्स यू ऑलरेडी नो कि मुझे पता है कि ये आना है सेम. ठीक है, क्योंकि इट डजेंट मैटर चाहे एन अपनी जगह चेंज करे क्योंकि वो सेम लेटर्स हैं. ठीक है, अभी तो हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं. तो दिस एंड दिस विल गेट कैंसिल. दिस विल बी हाउ मच? 5 into 4. ठीक है, दिस विल कम 20. सो नॉट टुगेदर वाला केस कितना आ जाएगा? हाँ, नॉट टुगेदर वाला केस आ जाएगा टोटल माइनस टुगेदर एंड दैट विल बी हाउ मच? 60 माइनस 20. देर आर टोटल 40 वेज इन विच 2 ends will not come together. ठीक है, नोट इट डाउन फास्ट, नोट इट डाउन फास्ट. नाउ वी हैव टू डू डिक्शनरी प्रॉब्लम बेटा. ठीक है, बट यू कैन अंडरस्टैंड इट फ्रॉम हियर दैट बनाना इज द वर्ड गिवन टू अस एंड 2 n शुड नॉट कम टुगेदर. तो आप ऐसे लिख सकते हो 2 n नॉट टुगेदर वी हैव टू फाइंड. ओके, अच्छा द वर्ड इज गिवन टू अस नेशन. And what we have to find all three vowels. ठीक है, we have to find all three vowels should not come together. Huh? All three vowels not together. I'm writing in short, not together. ठीक है, तो हमने फिर से इसमें क्या निकालना पड़ेगा? We have to find total. First of all, what will be the total ways? Huh? कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6. 6 लोगों को 6 जगह अरेंज करने के तरीके हैं 6 फैक्टोरियल. अच्छा कौन रिपीट हो रहा है? n इज रिपीटिंग 2 टाइम्स अपॉन 2 फैक्टोरियल. एनीथिंग एल्स? एनी अदर लेटर विच इज रिपीटिंग? नो अदर लेटर इज रिपीटिंग. सो इट विल बी 6 into 5 into 4 into 3 एंड दिस विल बी हाउ मच? 360. एंड नाउ ऑल थ्री वॉवल्स नॉट टुगेदर. सो लेट्स मेक सेट, लेट्स सेग्रीगेट वॉवल्स फर्स्ट. ठीक है, तो इससे अगर मैं वॉवल हटाऊं तो ए आई ओ तो मेरे वॉवल्स हैं, उसके अलावा n, देन t, देन n, n a t i o n ना. ठीक है, सो दिस वॉवल्स आई एम टेकिंग टुगेदर फर्स्ट. सी नाउ, सो आई एम टेकिंग दिस वॉवल्स टुगेदर. सो नाउ हाउ मेनी सीट्स आर देयर और हाउ मेनी प्लेसेस आर देयर? 1 place 2 place 3 place 4 place ना. तो 4 लोगों को 4 जगह अरेंज करने के तरीके होते हैं 4 फैक्टोरियल अपॉन. बट दिस n इज रिपीटिंग हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स अपॉन 2 फैक्टोरियल. अच्छा अभी काम पूरा नहीं हुआ. इनटू द बॉक्स व्हिच आई हैव टेकन इन व्हिच आई हैव टेकन दिस वॉवल्स
इनकी तो तीन जगह हैं, इन तीन लोगों को तीन जगह अरेंज करने का तरीका होता है 3 factorial. और कुछ इसमें क्या है, सेम है लेटर्स? नहीं, तो 3 factorial will come as it is. Solve it. This will come how much? 4 into 3, then into 3 into 2. This will be how much? 12 into 6. This will be how much? 72. ठीक है? So that not together वाला कितना आ जाएगा? Not together. Total minus together. Total is how much? 360 minus 72. What is the answer? How much? 288 will be your answer. Any doubt? So we have done two questions. We have seen two questions based on it. Okay? तो ये इम्पॉर्टेंट है. अच्छा, इसके अलावा नाउ वी हैव डिक्शनरी, डिक्शनरी वाली प्रॉब्लम है. ठीक है, सो वील डू वन एग्जाम्पल फर्स्ट. हैव यू नोटेड इट डाउन? ओके, सो नाउ लेट्स डू डिक्शनरी प्रॉब्लम. पुट द हेडिंग डिक्शनरी प्रॉब्लम. पुट द हेडिंग डिक्शनरी प्रॉब्लम. लेट्स डू डिक्शनरी वाली प्रॉब्लम. ठीक है, डिक्शनरी प्रॉब्लम. अच्छा, डिक्शनरी प्रॉब्लम भी आसान है. ठीक है, पहले हम लोग एक स्टैंडर्ड मेथड देखेंगे. And then we will go for shortcut. ठीक है, first we will see its actual method. ठीक है, suppose अब dictionary का मतलब क्या है? Dictionary का मतलब है, आपने जैसे dictionary देखते हो, सारे words कैसे order में होते हैं? Alphabetical order में. In the same way here, suppose if this letter, if this word knife is given to you, knife, and you have to find its rank. Find its rank. Rank का मतलब है कि इन 5 letters से बनने वाले मीनिंगफुल या नॉन मीनिंगफुल वर्ड्स जो बनेंगे, अगर हर एक वर्ड एक पेज में आता है, तो ये जो नाइफ वर्ड है वो कौन से पेज में आएगा? दैट विल बी इट्स रैंक. तो नाइफ को अगर मैं अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखूं, बेटा अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखूं, व्हाट विल बी माय फर्स्ट वर्ड? हाँ, ई, एफ, आई, के, एन. ओके, सो फर्स्ट आई विल फिक्स दिस ई. ठीक है, सो रिमेनिंग स्पेसेस आर 1, 2, 3, 4. चार लोगों को चार जगह बैठाने के तरीके हैं. 4 factorial विल कम हाउ मच? 24. तो 1 to 24 आएंगे इंक्लूडिंग दिस. ठीक है, 1 to 24 इंक्लूडिंग दिस. व्हाट विल माय 25th वर्ड? एफ आ जाएगा पहले. एफ, ई, आई, के, एन. अगेन मुझे एफ तो चाहिए नहीं शुरू में, एफ को मैं फिक्स कर दूंगा. इफ आई विल फिक्स एफ अगेन, 1, 2, 3, 4. चार लोगों को चार जगह बैठाने के तरीके कितने आ गए फिर से? 4 factorial. 24 + 24 कितना जाएगा? 48 तक. अच्छा, व्हाट विल बी माय 49th? अब क्या आ जाएगा? डेफिनेटली आई. आई आ जाएगा, तो आई के बाद ई, एफ, के, एन. आई विल फिक्स आई अगेन, 1, 2, 3, 4. चार लोगों को चार जगह बैठाने के तरीके कितने हैं? 4 factorial कितना? 24. इफ आई लेट 24 in 48, व्हाट आई विल गेट? 72. ठीक है, आई विल गेट 72. यहाँ पर 72 आ जाएंगे. अच्छा, व्हाट विल बी माय 73rd? What will be my 73rd? E आ चुका है, F आ चुका है, I आ चुका है, अब आएगा K. ठीक है, Now K will come. अच्छा, K आएगा, फिर E आएगा, फिर F आएगा, फिर I आएगा, फिर N आएगा. Okay? So what I will do now, क्योंकि अब बेटा K is fixed now. ठीक है, अगर मैं फिर से 4 factorial करूँगा तो K भी हट जाएगा, फिर K के बाद लास्ट में N आ जाएगा. ठीक है, अब आप मुझे यहीं पर देखना है. ओके, अच्छा, अब मैं क्या करूँगा? अब नाउ आई विल फिक्स दिस K. अब मैं इस के ई को फिक्स करता हूँ, क्योंकि मुझे धीरे धीरे के के साथ ई भी लाना है, फिर मुझे एफ लाना होगा, फिर मुझे आई लाना होगा, फिर मुझे, तो के ई से बनने वाले कितने हैं पहले मैं वो देख लेता हूँ. अच्छा, 3 spaces हैं, तीन लोगों को तीन जगह अरेंज करने के तरीके कितने होते हैं? 3 factorial. कितना आ जाएगा? 6. तो अगर आप 72 में और इंक्लूडिंग दिस 73rd, इफ़ यू विल ऐड 6 in 72, यू विल गेट 78. 78 आ जाएगा, तो 79th मेरा क्या रहेगा वर्ड? अच्छा, के के साथ ई तो हो गया, अब ई के बाद क्या आएगा? एफ. K F E I N will be my 79th. Again K F को मैं fix कर देता हूँ, और E N I में कितना आ जाएगा? फिर से 3 factorial, मतलब कितने? 6. If I add again in 78, what will come? 79, 80, 81, 82, 83, 84. 84. अच्छा, what will be my 85th word? 85th word will be K के बाद क्या आ गया? F भी आ गया, E भी आ गया, अब क्या आएगा? I will come.
तो आई विल कम तो ऑर्डर से कैसे लिखूंगा, ई एफ एन के आई ई एफ एन, ठीक है। इसमें फिर से अगर मैं के आई को फिक्स करता हूँ, अगेन वी हैव थ्री लेटर्स, थ्री स्पेसेस, फिर से सिक्स, थ्री फैक्टोरियल सिक्स, इफ आई ऐड 84 में सिक्स कितना आएगा 90, तो ये टोटल 90 तक जाएगा, तो 91 क्या रहेगा मेरा, 91 विल बी के, 91 वर्ड विल बी माई के एन, के एन को फिक्स कर दूंगा, फिर अल्फाबेटिक ऑर्डर में ले लो, ई एफ आई, ठीक है। अब नाउ आई हैव टू फिक्स दिस के एन, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, आई हैव टू फिक्स नाउ के एन ई। अब मैं आपको सारे वर्ड्स दिखाता हूँ, वट विल बी माई 92nd वर्ड, के एन ई आई एफ, पहले एफ आई था अब आई एफ आया, तो के एन ई से तो इतने ही वर्ड बनेंगे, दो ही वर्ड्स बनेंगे, क्योंकि ये दो कितने हैं, दो फैक्टोरियल्स, के एन ई से बन गए। अब ई के बाद क्या आएगा, एफ। अब 93rd विल बी माई के एन एफ, अगर के एन एफ आ गया तो अब अल्फाबेटिक ऑर्डर में क्या आएगा, ई आई, ठीक है। और इससे कौन कौन से वर्ड्स बनेंगे, एक तो ये बन गया 94th विल बी व्हाट, के एन के एन एफ आई ई, अच्छा व्हाट विल बी माय 95th, नाउ सी फोकस ऑन 95th, माय 95th विल बी के एन एफ से बन गया, अब एफ के बाद क्या आएगा, आई, तो के एन आई ई एफ, दिस विल बी माय 95th। तो अब के एन आई को मैं क्या करूँगा, कॉन्स्टेंट फिक्स, और ई एफ को चेंज करूँगा तो एफ ही हो जाएगा, एंड माई 96th वर्ड विल बी माई डिजायर्ड वर्ड, 96th विल बी माई के एन आई, ई एफ की जगह क्या जाएगा, एफ की। तो क्या रैंक आई नाइफ की, 96th, तो द रैंक ऑफ नाइफ इज नथिंग बट 96th, ठीक है। अच्छा इसको डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं, कैसे, बाय आर ऑब्जर्वेशन नाउ। अब हम देखेंगे कि के का जो आ रहा है वो कब के आ रहा है, तीन फैक्टोरियल के बाद आएगा, ठीक है। मतलब पहले मैं ई को रख के करूँगा, फिर एफ को, फिर आई को, और उसके बाद कितने लेटर्स हैं, चार है, तो फोर फैक्टोरियल तीन बार, सो 24 3 72, सीधा 72 के बाद मैं सीधा 73rd में आऊँगा, 72 के बाद आई विल कम टू 73rd, 73rd के बाद क्या आएगा मेरा, के आएगा, 73rd में के आया मेरा, तो पहला टर्म रहेगा के ई एफ आई एन, ठीक है। अब के ई एफ आई एन में अगर मैं देखूँगा डायरेक्टली, अगर मुझे कहना भैया अब के साथ क्या चाहिए, एन चाहिए, तो एन आने के लिए कितना आएगा, अगर मैं के ई को फिक्स करता हूँ, एन आने के लिए कितना आएगा, एक दो तीन, तीन के बाद, तो ये थ्री फैक्टोरियल, मतलब आई कैन डायरेक्टली ऐड 18, अगर मैं 72 में 18 ऐड करूँगा तो 90 आ जाएगा, और 90 के बाद मैं 91 वर्ड डायरेक्टली, 91 विल बी केन, केन के साथ क्या जाएगा, ई एफ आई, ठीक है। और अगर मुझे आई चाहिए तो कितना एन चाहिए मुझे, दो, ठीक है। तो एक बार टू फैक्टोरियल, एक बार टू फैक्टोरियल, फोर, अगर मैं 91 में फोर ऐड करूंगा व्हाट विल कम, सॉरी 90 में अगर मैं फोर ऐड करूंगा व्हाट विल कम, 94, तो 94 के बाद एक, 94 के बाद फिर 95th में आई का टर्म आएगा, के एन आई, और के एन आई में मुझे क्या चाहिए, सिर्फ के एन आई तो फिक्स चाहिए मुझे, ईयर और एफ को क्या करना है, तो डायरेक्टली इट विल कम 96। आई गिव यू वन मोर क्वेश्चन, डोंट वरी, ठीक है, नोट इट डाउन फर्स्ट, नोट इट डाउन, ए देन आई, आई और जी, जी आई एन, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल फिक्स ए, और एक दो तीन चार, चार लोगों को चार जगह अरेंज करने के तरीके, 24, एनी डाउट इन दिस, अच्छा तो 25वां, तो यहाँ से 24 आ जाएंगे, माई 25th वर्ड विल बी व्हाट। अब आप ये मत कहना कि सर आप ए को लेकर करो, इफ़ यू टेक ए अगेन द सेम विल कम, ठीक है। और अगर मैं इसमें देखूँ कि टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे, तो कितने, 1 2 3 4 5, फाइव फैक्टोरियल अपॉन, ए दो बार है, अपॉन टू फैक्टोरियल, इसका मतलब 120 अपॉन टू कितना आएगा, 60। तो बेटा इसमें टोटल तो 60 वर्ड्स ही बन रहे हैं, और मुझे 50th निकालना है। अच्छा सो माई 25th विल बी, नाउ रिमेंबर ये जो ए आएगा ना, इससे अगेन द सेम थिंग्स विल कम, ठीक है। इसको मैं ए यहाँ कर लूँ, फिर ए कर लूँ, तो सेम चीज़ तो आएगी, आई विल नॉट कंसिडर इट। सो वट विल कम नाउ, 25th विल बी जी विल कम, एंड ए ए आई एन,
Now I will fix J and A A I N. कितने लोग हैं? चार factorial. लेकिन दो कितने बार repeat हो रहा है? कितना जाएगा? Four factorial upon two factorial. ओके अच्छा 12 में ऐड करोगे तो 24 में हाउ मच इट विल बी 36 तो 36 तक जाएगा एंड माय ये 36 तक जाएगा एंड माय 37th वर्ड विल बी जी आ गया जी के बाद क्या आएगा आई आई आएगा आई के बाद ए ए जी एन सिमिलरली आई विल रिमेन फिक्स आई को फिक्स कर लेते हैं ये इनको अगर मैं अरेंज करूंगा कितना आएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अगेन 12 भी ठीक है अच्छा इन 36 से फैल है 12 कितना जाएगा 48 अच्छा लेट सी की व्हाट विल बी माय 49 देख लेते हैं अब क्या आएगा आगे n विल कम n आएगा a a अल्फाबेटिक ऑर्डर में तो a आएगा फिर हाँ जी आएगा पहले जी आएगा फिर आई आएगा नागी ठीक है और व्हाट विल बी माय 50th अरे अगर मैं इसको इंटरचेंज करूँ डजंट मैटर एन ए ए जी आई के बदले क्या आ जाएगा आई जी सो दिस विल बी माय 50th फोर ऑप्शंस विल बी गिवन टू यू चार ऑप्शंस आपको दिए गए थे जिसमें से एक ये था दिस विल बी माय 50th So there are various questions, other questions beta. Now it's your homework, you have to find rank of yours name. ठीक है अपने नाम की rank find out करो या आप मेरे नाम की भी rank find out कर सकते हो ठीक है क्योंकि मेरे नाम की rank तो मुझे पता है कितनी है हाँ ताकि वो easily क्या कर सकते हैं हम लोग tally कर सकते हैं ना अच्छा now अच्छा अब एक question है आपको ना चार boys दिए and three girls are given to you. ठीक है और आपने इनको ऐसे अरेंज करना है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड कम ऑल्टरनेट इन अ ऑल्टरनेट वे मतलब टू बॉयज़ एंड टू गर्ल्स शुड नॉट कम टुगेदर व्हाट डज इट मीन कि एक लड़का आएगा तो एक लड़की आएगी फिर एक लड़का फिर एक लड़की फिर एक लड़का एक लड़की ठीक है ऐसा क्वेश्चन था ध्यान से देखना इस चीज़ को सी नाउ फोर बॉयज़ तो बॉयज़ को मैं ऐसे लिखता हूँ बी वन बी टू बी थ्री बी फोर तीन अलग अलग लड़के हैं और तीन अलग अलग लड़कियाँ हैं जी वन जी टू जी थ्री अच्छा अगर मैं सपोज अगर मैं जीवन से स्टार्ट करूँ आपको कहोगे सर कितनी सीट्स होंगी टोटल एक दो तीन चार पाँच छः सात सेवन सीट्स होंगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अच्छा सर मैं पहले लड़की को बिठाना चाहता हूँ ठीक है हमने जीवन को बिठाया अच्छा जीवन के साथ हमने एक लड़की को बिठाया बी वन क्योंकि ऑल्टरनेट वे में आना चाहिए एंड देन आफ्टर द सेकेंड गर्ल विल कम जी टू एंड देन बी टू विल कम एंड देन जी थ्री विल कम एंड देन बी थ्री बट हियर नाउ द वन सीट इज लेफ्ट एंड ओनली बी फोर कैन अकोमोडेट लेकिन ये तो होना नहीं चाहिए था मेरा दो बॉयज के साथ में आने नहीं चाहिए सो दिस इज अ रॉन्ग वे यू कैन नॉट स्टार्ट विद अ गर्ल इट मीन्स दैट आप पहली सीट में लड़की को नहीं बिठा सकते ठीक है सो दिस इज नॉट अ राइट वे अभी हम करेंगे एक और वराइटी तो मैं क्या करूँगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन है तो मैं किससे स्टार्ट करूँगा लड़के से स्टार्ट करता हूँ लेट स्टार्ट विद अ बॉय यहाँ पर बी वन आ गया यहाँ पर जी वन कोई भी लड़की आ गई फिर यहाँ पर कोई लड़का आ गया बी टू यहाँ पर कोई लड़की आ गई जी टू फिर यहाँ पर आ गया बी थ्री यहाँ पर कोई लड़की आ गई जी थ्री और यहाँ पर आ गया एक लड़का बी फोर इसमें क्या हो रहा है कोई भी दो लड़कियाँ कोई भी दो लड़कियाँ साथ में नहीं है ठीक है दे आर इन दे आर नॉट टुगेदर टू बॉयज़ एंड टू गर्ल्स आर नॉट टुगेदर इन दिस वे सो दिस इज द ओनली वे अब कैसे इसको करोगे अब तो बहुत ईजी हो गया अब कितने तरीके होंगे ऐसे अब ये बॉयज़ है बेटा एक दो तीन चार चार जगहों में चार लड़के हैं और इनकी जगह फिक्स है लेकिन लड़का तो कोई भी आ सकता है ज़रूरी थोड़ा है कि यहाँ पर बी वन ही आए यहाँ पर बी टू भी आ सकते हैं बी थ्री भी तो चार लोगों में चार चार जगहों को जगहों में कितने तरीके हैं एडजस्ट करने के फोर फैक्टोरियल देर आर फोर सीट देर आर फोर बॉयज इन टू अगेन लड़कियों की जगह भी फिक्स है कितनी जगह है लड़कियों की तीन जगह है तीन जगह में तीन लड़कियाँ फिक्स करने की जगह कितना है थ्री फैक्टोरियल दिस विल बी योर आंसर अच्छा अगर यही सवाल ऐसा देता आपको ध्यान से देखना बेटा अब इस चीज़ को समझना अगर वो आपसे बोलता फोर बॉयज एंड फोर गर्ल्स ध्यान से देखना इस चीज़ को अगर आपको फोर बॉयज एंड फोर गर्ल्स बोलता है और बोलता है कि दो बॉयज या दो गर्ल्स एक साथ नहीं आने चाहिए तो आप क्या करते अगेन कितनी जगह होती है आठ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आठ जगह होती अच्छा अब मैं क्या करता हूँ गर्ल्स से स्टार्ट करता हूँ सपोज यहाँ पर मैंने जी वन लड़की को बिठाया तो यहाँ पर बी वन लड़का आता सपोज जी टू
B2, G3, B3, G4, B4. अरे ये तो फंडा यहाँ पर सही बैठ गया क्योंकि लड़के और लड़कियाँ बराबर है। अच्छा, और या देखो मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, और को मैं या बोलूँगा, कौन सा साइन आएगा? प्लस। या ये भी तो हो सकता है कि मैं पहले लड़का बिठा दूँ B1, ठीक है, फिर G1, फिर B1, फिर सॉरी B2, फिर G2, फिर B3, फिर G3, फिर B4, फिर G4। मैं आपको यही दर्शाना चाह रहा हूँ कि वो जो चार लड़कियाँ हैं वो अलग अलग हैं और चार लड़के अलग अलग हैं। तो ये भी तो एक तरीका है, ऐसे भी तो वो कैसे अरेंज हो रहे हैं कि जहाँ पर कोई भी दो लड़के या कोई भी दो लड़कियाँ साथ में नहीं बैठ रहे, तो इस केस में आप कैसे करोगे? अच्छा, ऊपर वाला केस को अगर हम करें कैसे करेंगे? ऊपर वाले केस में एक दो तीन, अगेन एक दो चार, चार जगह मैं चार बच्चों को बिठाने के तरीके, फोर फैक्टोरियल, ये गर्ल्स के लिए, लड़कों के लिए वो भी चार जगहों में चार जगह, या प्लस और ये भी तो तरीका है। इसमें क्या है, अगेन चार जगहों में चार लड़कों को बिठाने के तरीके, फोर फैक्टोरियल, सो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, तो यहां पर बेटा ये और वाली कंडीशन आई, ठीक है, नोट इट डाउन, देन देयर इज वन मोर वे। एक और सवाल है। अच्छा, अगले क्वेश्चन में क्या है, अ वर्ड इज गिवन टू यू मशीन, ठीक है, अ वर्ड इज गिवन टू यू मशीन, ठीक है, एक वर्ड आपको मशीन दिया है और आपसे क्या पूछ रहा है, ए पार्ट में, ए पार्ट में आपसे पूछ रहा है कि वॉवल्स शुड कम इन ऑड पोजिशन, वॉवल्स क्या आने चाहिए, ऑड पोजिशंस में आने चाहिए, और एक जगह क्या पूछ रहा है, वॉवल्स आने चाहिए इवन पोजिशन, ठीक है, ऐसा सवाल, बहुत अच्छा सवाल, ध्यान से देखना। अच्छा, मशीन कितने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक है, ऑड और इवन पोजिशन मेंशन कर लेते हैं, ये ऑड है, ये इवन है, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड, इसको वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन में लिख लेता हूँ मैं, ताकि फर्स्ट पोजिशन ऑड है, सेकंड इवन है। अच्छा, पहले केस में क्या बोल रहा है, वॉवल्स। अच्छा, अगर मैं मशीन को बेटा अरेंज करूँ, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स देख लेते हैं, एम ए सी एच आई एन ई मशीन, मशीन में कितने लेटर्स हैं, सेवन लेटर्स हैं, सात लोगों को सात जगह बिठाने का तरीका है, सेवन फैक्टोरियल। अच्छा, कोई रिपीट हो रहा है मशीन में, एनी लेटर इज रिपीटिंग, नो, सो द आंसर विल बी सेवन फैक्टोरियल। अच्छा चलो, वॉवल्स को अलग कर लेते हैं, वॉवल्स कौन कौन से हैं उसमें, ए आई ई, चलो ए आई ई वॉवल्स हैं, इनको मैंने अलग कर दिया। कॉन्सोनेंट्स क्या हैं, एम सी एच एन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक है। अब आपसे क्या बोल रहा है, वॉवल्स ऑक्यूपाई ऑड पोजिशंस, ध्यान से देखें। अच्छा, पहले मैं इवन पोजीशन वाला बताता हूँ, लेट्स फर्स्ट डू इवन पोजीशन। अच्छा, इवन पोजीशन कितनी है, एक दो तीन इवन पोजीशन है, और तीन ही मेरे पास क्या है, वॉवल्स हैं, तो तीन जगहों में तीन लोगों को बिठाने के तरीके कितने हैं, थ्री फैक्टोरियल। मैंने कहा था आप उसमें फेंकने वाला, रिंग वाला मेथड भी कर सकते हैं, किसमें, किसमें, जब आपको जगह भी बराबर दी है और ऑब्जेक्ट्स भी बराबर दिए, आप चाहे फेंकने वाला मेथड कर लो, चाहे आप बॉक्स मेथड कर लो। तो मैं तो डायरेक्टली बोलूंगा कि मेरे पास तीन इवन पोजीशंस हैं, और इन तीन इवन पोजीशंस में तीन वॉवल्स को बिठाने का तरीका कितना है, थ्री फैक्टोरियल। अच्छा, रिमेनिंग कितने कॉन्सोनेंट्स बचे, फोर कॉन्सोनेंट्स बचे, फोर कॉन्सोनेंट्स में, ये मैं कौन सा वाला पार्ट कर रहा हूँ, इवन पोजीशन वाला। अच्छा, फोर कॉन्सोनेंट्स को कैसे पोजीशन देनी, मुझे ऑड ही देनी पड़ेगी अब तो। फोर कितनी जगह बची, चार जगह बची, चार लोगों को चार जगह बिठाने के तरीके, फोर कॉन्सोनेंट्स को फोर पोजीशन में बिठाने के तरीके कितने, फोर फैक्टर। इफ यू विल सॉल्व विल गेट द आंसर। अच्छा, सी दिस ऑड पोजीशन वाला, ऑड पोजीशन वाला थोड़ा सा अच्छा है। ऑड पोजीशन में वी विल यूज दैट फेंकने वाला मेथड, दैट रिंग मेथड। व्हाई, अगर इफ आई कंसिडर ऑड पोजीशन, नाउ आई हैव टू, व्हाट आई हैव टू पुट माई वॉवल्स इन ऑड पोजीशन, हाउ मेनी ऑड पोजीशंस आर देयर, वन टू थ्री फोर, फोर ऑड पोजीशंस आर देयर, एंड हाउ मेनी वॉवल्स आर देयर, ओनली थ्री। इन दैट केस व्हाट यू डू, whenever the spaces are given more than the number of objects, in that case you go for which method, that fakne wala method, ring method। ab aap yahan par wo nahi karoge ki beta a yahan par bhi aa jayega, suppose if you will do that ki sir a I e mein se yahan par a bhi aa sakta hai, I bhi aa sakta hai, to kitne tarike, teen tarike, fir aap kahoge sir yahan par a aa jayega, fir I aur e bachega, suppose
तो यहाँ पर दो तरीके हैं, फिर आप बोलोगे यहाँ पर एक ही तरीका है, ये तो यूटिलाइज ही नहीं हुआ, ये भी तो ऑप्शन में है, ये चार ऑड पोजिशंस आर इन ऑप्शंस ना, सो नाउ विच मेथड यू विल यूज दैट फेंकने वाला है ना, तो मेरे पास क्या है, तीन मेरे पास वॉवल्स हैं, फेंकता हूँ तो उसको मैं कहाँ कहाँ फेंक सकता हूँ इन चार पोजिशंस में, कहीं भी, तो पहले को कितने जगह फेंक सकता हूँ, चार जगह, सपोज वो कहीं पर फिक्स हो गया, सपोज वो यहाँ फिक्स हो गया, दूसरा वॉवल है मेरे पास आई, आई को फेंकता हूँ, आई को फेंका सपोज यहाँ फिक्स हो गया, ठीक है, तो कितने तरीके थे आई को फेंकने के, एक दो तीन, फिर मेरे पास बचा एक ही लेटर, एक ही वॉवल बचा, उसको कितने जगहों में मैं फिक्स कर सकता हूँ, दो जगहों में कहीं भी फिक्स सकता हूँ, ये तो आ गया वॉवल का, सपोज यहाँ फिक्स हो गया, लेकिन मैंने यूटिलाइज तो किया इसको, हाँ डेफिनेटली लास्ट में एक ऑड पोजीशन बच जाएगा, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं फेंकते वक्त तो मैं कहीं ना कहीं मेरे वो ऑप्शन में था कि नहीं था ऑप्शन। अच्छा उसके अलावा अब कितने कॉन्सोनेंट्स बचे, चार जगह भी रिमेनिंग कितनी बचेगी, एक दो तीन चार, हाँ उनमें से एक वो भी जगह है जो वॉवल्स के लिए भी एप्लीकेबल थी, लेकिन लास्ट में तो बचना ही बचना है, कोई ना कोई एक जगह तो बचेगी ही बचेगी, एंड दैट जगह विल बी यूटिलाइज बाई कॉन्सोनेंट, तो चार कॉन्सोनेंट को चार लोगों को चार जगह अरेंज करने का तरीका कितना है, परफेक्ट, ये अच्छा है, ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना बट आंसर में थोड़ा सा फर्क आता है इसके वजह से, ठीक है, तो यू शुड नो कि वेयर आई हैव टू यूज दैट बॉक्स मेथड एंड वेयर आई हैव टू यूज दैट रिंग मेथड, थ्रोइंग द रिंग वाला मेथड, ठीक है, जहाँ पर स्पेस ज़्यादा होगी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कम होंगे यूज दैट रिंग मेथड, और जहाँ पर बराबर होगी यू कैन यूज एनी मेथड, और जहाँ पर ऑब्जेक्ट ज़्यादा स्पेस कम यू विल यूज बॉक्स मेथड, ठीक है, तो इवन एंड ऑड दोनों वाले कर लीजिए बेटा। सवाल आया एनडीए में, ठीक है, आपको टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस निकालने हैं, किसके, अ वर्ड इज गिवन टू यू बेसबॉल, ठीक है, तो आप इसको जल्दी से कर लेंगे हम लोग, फिर एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बेसबॉल इज गिवन टू यू, आपको टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस निकालना है, अरे तो बहुत ईजी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, आठ लोगों को आठ जगह बैठाने के तरीके कितने, 8 factorial, अच्छा उसके अलावा बी कितने बार रिपीट हो रहा है, दो बार, ए कितने बार रिपीट हो रहा है, दो बार, एल कितने बार रिपीट हो रहा है, यू विल सॉल्व, विल गेट योर आंसर, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, बहुत इजी सवाल आते हैं एनडीए में। अच्छा अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है फाइव बॉयज अलोंग विथ राम एंड श्याम, ठीक है, देर आर फाइव बॉयज अलोंग विथ राम एंड श्याम, सो राम श्याम उसके अलावा तीन और होंगे फिर, ठीक है, सपोज ए बी सी कर लेते हैं, राम श्याम को भी आर एस कर लूंगा, ठीक है, यू हैव टू अरेंज देम, ठीक है, अरे बहुत इजी, आपको ऐसे अरेंज करना है कि राम एंड श्याम ऑलवेज टुगेदर आना चाहिए, अरे तो वही है सर, ऑलवेज टुगेदर आने में क्या क्या करेंगे, टोटल माइनस नॉट टुगेदर, और ये भी करने की जरूरत नहीं, ऑलवेज टुगेदर तो सीधा आता है, कैसे आता है ऑलवेज टुगेदर, तो आर एस ए बी सी, इसको मैं एक जगह बिठा दूंगा, सारे आपके एग्जाम में है, ठीक है, इसको मैं एक जगह बिठा दूंगा, कितने हो गए, एक दो तीन चार, चार लोगों को चार जगह अरेंज करने के तरीके कितने हैं, 4 factorial, उसके अलावा दो लोगों को दो जगह बिठाने के तरीके कितने हैं, दिस इज योर आंसर, ठीक है, हाँ तो उसी को वो आपको लैंग्वेज में भी घुमा के दे सकता है, ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर परम्यूटेशन, रैंक निकालने का मैं एक शॉर्टकट तरीका और बताऊंगा आपको, ठीक है, देन वी विल मूव ऑन टू कॉम्बिनेशन एंड डू रिवाइज दिस चैप्टर बेटा, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर योर प्रोबेबिलिटी पार्ट, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का बहुत अच्छा वेटेज है एनडीए एग्जाम में, ठीक है, तो प्लीज डू रिवाइज इट, फोकस ऑन इट, अगर आपका पीएनसी अच्छा है प्रोबेबिलिटी विल गोइंग टू बी वेरी इजी, ओके, चलो दैट्स ऑल, थैंक यू।